बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम अब कोकोनट पार्क रख दिया गया है और राज्य के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने इसका उद्घाटन किया है। ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर श्रीदेय अटल जी कहकर पूर्व प्रधानमंत्री को संबोधित करते रहे हैं और उनकी तारीफ करते रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें राजद, जेडीयू और कांग्रेस शामिल है। केंद्र में विपक्षी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार ने कई बार अटल बिहारी वाजपेयी की प्रशंसा की है। इसके बावजूद दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर जिस पार्क का नाम रखा गया था अब उसे बदल दिया गया है और इसका फिर से उद्घाटन किया जा रहा। अगस्त 2018 में जब अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ था तब जनता ने ही इस पार्क की पहचान उनके नाम पर कर दी थी। याद हो कि 2004 में बिहार में एक रैली के दौरान वाजपेयी ने कहा था कि वो अटल भी हैं और बिहारी भी हैं। इससे बिहार को लेकर उनके जुड़ाव का पता चलता है। आपातकाल के दौरान उन्होंने पूर्वी चंपारण आकर गिरफ्तारी दी थी। जिस पार्क की बात हो रही है वहां कंकड़बाग की जनता ने दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की थी। अब तेज प्रताप यादव फिर से इसका नाम बदलेंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति और सियासत काफी गर्मा चुकी है, जिसके बाद बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने तेज प्रताप यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, एक तरफ तो नीतीश कुमार श्रीदेय अटल जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मंत्री वाजपेयी के नाम पर जनमानस द्वारा नामकरण किए गए पार्क का नाम बदल देते हैं। भारत रत्न के नाम पर पार्क का जो नाम है उसे बदल देना विचित्र बात है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना के कंकड़बाग इलाके में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम बदलकर कोकोनट पार्क करने के लिए बिहार सरकार को फटकार लगाई है। नित्यानंद राय ने कहा, ये भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तेज प्रताप यादव को पार्क का नाम बदलने से रोकना चाहिए। ऐसा करना देश के लिए हानिकारक है। भारत के लोग उन्हें इस कदम के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कोकोनट पार्क का उद्घाटन किया। आज से पहले इस पार्क का नाम अटल पार्क था, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में रखा गया था। वही आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। नित्यानंद राय ने आगे कहा कि सरकार ने इस पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा था। सरकार ने यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित कराई थी। अटल जी सभी भारतीयों और बिहार वासियों के दिल में है, लेकिन राजनीतिक दुर्भावना के चलते नाम बदला गया। ऐसा करने पर बिहार की जनता नीतीश जी और तेजस्वी को बताएगी कि वो क्या अपराध कर रहे हैं।